तो हेलो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं मनोज दे के बारे में। तो क्या मनोज दे का न्यू सॉन्ग आने वाला है? जी हाँ गाइस, बिल्कुल मनोज दे का न्यू सॉन्ग आने वाला है, क्योंकि रिसेंटली मनोज दे ने अपने ब्लॉग चैनल पर सॉन्ग से रिलेटेड अपडेट दिया है। तो वो क्या कहे अब देख लो। तो हम लोग गोवा आ चुके हैं, तो आगे जो भी सारे वीडियोस है वो आपको मिलता रहेगा गोवा सीरीज का एक तरह से। और मेरा इवेंट भी है, वो इवेंट वाला भी ब्लॉग आप लोग को मिलेगा। एक सॉन्ग का शूटिंग भी है यहाँ पर, बहुत सारा मेरा काम था, मेरा ऑलरेडी काम था, मतलब 17 तारीख का टिकट था, बट बीच में ऐसा कुछ पंगा हो गया, शादी वगैरह हो गया, तो भाई क्या करे, अब इतना सारा काम लिया हुआ था तो आना तो था, ठीक है, सारी कंपनी ने फ्लाइट वगैरह कर दिया था। सॉन्ग का भी वहाँ पर मेरा मतलब करना था, एक फ्रेंडशिप रिलेटेड सॉन्ग है, दोस्ती से रिलेटेड। तो चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं एलविस यादव के बारे में। तो एलविस यादव अपने फैन से एक रिक्वेस्ट करे, तो क्या रिक्वेस्ट करे आप उनसे ही सुन लो। गाइज, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जितने भी मेरे फैन पेजेस हैं बहुत सारे इंस्टाग्राम पे, तो आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि भाई आपको जो रील डालनी है बना के कुछ भी डालो, जो फोटो डालनी है डालो, बट सिर्फ मेरी मेरी डालो। सपोज मेरा फैन पेज है तो मेरी डालना, मेरा नाम किसी के साथ मत जोड़ो यार, और किसी के साथ कंबाइंड करके मेरी फोटोज पिक्चर्स या फिर वीडियो वगैरह कुछ भी मत डालो, रिक्वेस्ट है छोटी सी। और फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं मनीष कश्यप के बारे में। तो इनको तो आप जानते ही होंगे, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, और इसका एक यूट्यूब चैनल है सच तक न्यूज, जिसमें 6.5 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर है। तो उन्होंने एक फेक वीडियो शेयर कर दिए थे जहाँ पर कुछ बीयर के माइग्रेन लेबरर्स को हैरेस किया जा रहा था इन तमिलनाडु। लेकिन ये फेक न्यूज वाला स्टोरी बहुत ज्यादा वायरल भी होने लगा, और उसके बाद पता चला इसके एजेंट पास में भी कुछ कंप्लेंट्स किए गए थे, और फिर उसके एजेंट अरेस्ट वारंट भी कर दिया, और फिर उन्होंने खुद ही सरेंडर कर दिया पुलिस के हाथ में, और वो वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल होने लगे। आप देखिए भाई भाई ये बहुत दिखे आ रहे हैं, बाली जा खाने वाले मर्द हैं, ठीक बा, आप हिम्मत देने के बजाय आप हिम्मत बाली जा, हमनी के लड़ाई लड़ल जाए, ठीक बा सर, थोड़ा खाना उमा सब ध्यान दे रहे हैं, लग रहा है जरा ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और अरेस्ट होने से पहले उन्होंने यूट्यूब पर एक वीडियो भी डाला था, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्रेजी दीप एंड एमआरए ओपी के बारे में। तो कुछ दिनों पहले क्रेजी दीप एक ट्वीट किए थे, यूट्यूबर्स हु आर मेकिंग कंटेंट ऑन ओमेगल आर सुपर क्रिंज, जिसके ऊपर ओमेगल यूट्यूबर एमआरए ओपी ने रिप्लाई करा, क्या मतलब तेरे व्यूज नहीं आ रहे और हमारे आ रहे है इसलिए जल रही है। और उसके बाद इन दोनों यूट्यूबर के बीच में कॉन्ट्रोवर्सी चलते रहे, लेकिन उसके बाद क्रेजी दीप ने ओमेगल यूट्यूबर को फिर से रोस्ट किया। तो वो क्या कहे अब देख लो। नहीं पता था गूगल के किसी पिकअप लाइन को एक ओमेगल की लड़की के सामने बोल के उसको रिकॉर्ड करके फिर थंबनेल में उस लड़की के क्लीवेज को जूम करके अपलोड करने को कंटेंट क्रिएशन कहा जाता है। और कुछ ओमेगल क्रिएटर्स तो लिटरली कॉन्डम या फिर कुछ वल्गर चीजें एक स्ट्रेंजर लड़की को दिखा के बिना उसकी परमिशन के उसको रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। इस बात से एक और चीज निकल के आती है कि जबरदस्ती क्लीवेज दिखा के सिर्फ कुछ लड़कियां फेमस नहीं होती, ओमेगल क्रिएटर्स भी। और उसके बाद उसका क्या रिएक्शन था आप खुद देख लीजिए। इसने मेरे को रिप्लाई दिया ट्विटर पे, मैंने इसकी वीडियो उठा के डाल दी, अब बोल रहा है कि भाई मेरे को अगर जानता ही नहीं था तो वीडियो क्यों डाली। अबे 5 दिन पहले ट्वीट किया था और अब डाली है वीडियो, और तू अगर मेरे ट्वीट पे आके तो मेरे को पता भी नहीं चलता कि तेरा एग्जिस्टेंस भी है, तू कुछ समझा। गाली नहीं देनी थी यार, पर तेरे फैन लिख रहा था और तू स्टोरी पे शेयर कर रहा था तो मैं तो तेरा नाम भी टैग नहीं कर रहा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।